सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज हम लोग आपके लिए लाए हैं ये यामाहा की एरॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा श्री पद्मा मोटर्स यामाहा को, उन्होंने हमें गाड़ी प्रोवाइड की रिव्यू के लिए। सो लुक्स एंड डिजाइन की बात करें तो आप देख लो गाइस, फ्रंट से कुछ ऐसी इसकी लुक्स आ रही है। फ्रंट में ही आपको DRS देखने को मिलते हैं, काफी ज्यादा एग्रेसिव लुक दे रहे हैं इस स्कूटी को। और आप देख लो, इसमें आपको हैजार्ड लाइट्स भी मिलता है। तो फ्रंट लुक्स और डिजाइन काफी एरोडायनेमिक है, तो चलाने में काफी ज्यादा इसको मजा आने वाला है। सो अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग की, क्योंकि प्राइसिंग के हिसाब से हम लोग जज करेंगे इस स्कूटी को। तो ये अगर आप यहाँ रीवा मध्य प्रदेश में इसको लेने जाओगे तो ये आपको पड़ने वाली है 151,000 एक्स शोरूम। और ऑन रोड कॉस्ट की बात करें तो ये पड़ जाएगी आपको 182,000 की। ये इसका बेस वेरिएंट है। इसका एक और आता है MotoGP एडिशन, तो वो आपको पड़ने वाला है 186,000 का। फ्रंट लाइट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट LED लाइट का सेटअप मिलता है। LED में आपको यहाँ पे DRS मिल जाती है, LED में आपको यहाँ पे आपको ये हाई बीम और लो बीम दोनों ही मिल जाते हैं। और एक बार मैं आप इसका हाई और लो बीम दिखा दूँ तो ये आपका यहाँ पे लो बीम है, और ये वाला जो बल्ब है ये आपका हाई बीम है। ये आप देखो, ये आपको हजार लाइट्स मिल जाते हैं। काफ़ी कम स्कूटी में वाला फीचर आता है। सो इसके टायर सेक्शन की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 110x80 आर 14 इंचेस का, आपको इसमें अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाएगा एंड रियर में आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स ही मिलते हैं। एंड सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट का जो सस्पेंशन है वो आपको टेलीस्कोपिक मिल जाता है, एंड पीछे जो वही नॉर्मल वाला सस्पेंशन आपको मिल जाएगा, आप देख लो। तो ऐसा कुछ आपको इसमें सिटिंग पोस्चर मिलता है। एंड कंफर्ट की बात करें तो सुमित भाई, कैसा इसमें आपको पोस्चर गेस्चर सब चीज़ें कैसी मिल रही हैं बैठने के बाद? बहुत ज़बरदस्त, मतलब बहुत ही कम्फर्टेबल, किसी भी तरीके की आपको शोल्डर में या बैक में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड साथ ही साथ जो रेयर में पीछे बैठेगा ना पिलियन अपना, उसके लिए भी अच्छा खासा स्पेस है। तो आप देख लो, पिलियन राइडर की जो हाइट है वो ड्राइवर से कितनी ऊंची रहती है वो आप यहाँ से जज कर सकते हो। भाई मनुवर करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है गाड़ी को, आप घुमा सकते हो जैसे चाहो वैसे। और यहाँ पे इसके एग्जॉस्ट नोट की बात करें तो वो भी मैं आपको अभी सुना के दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ आपको इसमें एग्जॉस्ट नोट मिलता है। एंड साथ ही साथ अगर इसके हॉर्न की बात करें तो हॉर्न का साउंड भी आप एक बार सुन लो, ऐसा बेसिक से नॉर्मल सा हॉर्न मिलता है। तो साइड लुक से गाड़ी का जो डिज़ाइन एंड लुक्स है आप चेक कर सकते हो। और इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें आपको 145 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। एंड इंजन की प्लेसमेंट आपको यहाँ साइड लुक से, यहाँ पे आपको रेडिएटर इसका मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे ये प्लास्टिक कवरिंग दी गई है। अगर कोई भी पत्थर वगैरह किसी भी चीज़ से टकराती है तो ईजिली टूट सकता है, तो ये मेरे को इसकी डीमेरिट लगी, नेगेटिव चीज़ लगी। इसको कम से कम स्टील में होना चाहिए था। ब्रेस जो है आपको पिलियन राइडर के लिए यहाँ पे मिल जाए। एक इसकी नेगेटिव बात ये भी लगती है, तो भाई एक आदमी अगर स्कूटी ले रहा है तो वो ये चीज़ भी सोच के लेता है कि उसको यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा तो वो अपना कुछ सामान वगैरह रख सकता है, लेकिन इसमें आपको वो चीज़ नहीं मिलती है। तो ये ओवरऑल इसका साइड लुक था। एंड यहाँ पर आते हैं तो आप देख लो इसका ये रियर लुक, रियर से जो गाड़ी का पूरा लुक है। यहाँ पे आपको LED टेल लैम्प मिल जाती है, यहाँ पे आपको यामाहा का लोगो मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हैलोजन में दोनों बल्ब मिलते हैं, नीचे में आपको यहाँ पे मिल जाती है लाइट जो कि नंबर प्लेट के लिए है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। यहाँ पे जो टायर सेक्शन की बात करें तो ये पीछे वाला जो टायर है ना ये भी काफ़ी मोटा है। इसके सेक्शन की बात करें तो इसमें आपको पीछे में 140x70 R14 का टायर साइज मिलता है इसके पीछे में। एंड बात कर लेते हैं इसके मीटर की, उससे पहले मैं आपको इसकी मैं इसकी की दिखा देता हूं। तो इसमें आपको ऐसी की मिल जाती है, और इसमें आपको एक रिमोट की भी मिलती है, जिसका फीचर में भी मैं आपको आगे बताता हूं। तो अगर गाड़ी अगर लॉक रहती है तो ये वाला जो बटन है ना ये आप मूव नहीं कर सकते हो, और पहले आपको गाड़ी को अनलॉक करना पड़ेगा। ये यहाँ से इग्निशन ऑन हो गया है। साथ ही में अगर इसकी इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो आप वो इस वाले बटन से इसकी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो। इस साइड में आपको यहाँ पे RPM मीटर दिख जाता है, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है। कि गाड़ी में और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं उसकी बात अभी हम आगे करेंगे। एंड अगर आपकी इसके फ्यूल लिड को ओपन करना है तो आप यहाँ से ओपन करोगे, उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले इसको सेंटर में करना पड़ेगा, एंड देन इस फ्यूल को क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसमें आपको 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा, जो कि एवरेज अप्रॉक्स निकाल देता है 40-45 KMPL, ऐसा कंपनी का क्लेम करना है। आपको हाई और लो बीम के बटन मिल जाएंगे, यहाँ पे आप टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको हॉर्न की बटन मिल जाती है। साथ ही में यहाँ आपको हजार लाइट्स के बटन मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको ये आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। एक बुरी चीज़ और इसमें मुझे लगती है कि किल स्विच नहीं मिल रहा है। 155 cc के इंजन के हिसाब से गाड़ी में किल स्विच तो आ ही जाता है, बाकी इसमें आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आपको इसका इग्निशन स्टार्ट करने के लिए बटन मिल जाता है।
अब इसकी बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस को भी ओपन करने के लिए आप देख लो, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा में की लगाने के लिए आपको कोई भी जगह नहीं मिलती है, वो आपको बूट भी यहीं से ओपन करना पड़ेगा। एक जन आपको बीच में रखनी पड़ेगी और यहाँ पे आपको प्रेस करना पड़ेगा और इधर आ ये बूट इसका ओपन हो जाता है। तो इसमें आपको 24.5 लीटर का अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है। एक हाफ साइज़ का हेलमेट इसमें आप देख लो रखा है, उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। अब देखते हैं इसमें फुल साइज़ का हेलमेट आ पाता है या नहीं। सो यहाँ पे हमने फुल साइज़ का एक हेलमेट रखा है और वो भी काफ़ी इजीली आ जा रहा है। एक बुरी चीज़ और मुझे इसमें लग रही है कि बूट में आपको कोई भी लाइट नहीं मिल रही है, इतनी महंगी स्कूटी होने के बावजूद यहाँ पे कंपनी ने कॉस्ट कटिंग कर रखी है। इसके राइडिंग कंफर्ट की बात करें तो भगाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, इसका इनिशियल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी मज़ा आएगा कि स्कूटी के हिसाब से अगर आप इसको देखते हो और इसको भगाते हो। तो डायमीटर है आप देख लो काफ़ी कम है, और तो ये जो बीप बीप का साउंड आ रहा है ना जो आप सुन रहे हो, क्योंकि मैंने गाड़ी लॉक नहीं की, ऐसे ही छोड़ के चला आया हूँ, तो जिस वजह से गाड़ी बीप बीप साउंड कर रही है। तो ये इसका एक काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है, पहले आपको गाड़ी को यहाँ से लॉक करनी पड़ेगी, उसके बाद रिमोट से आप एक बार लॉक कर दो और चले जाओ, फिर गाड़ी बीप बीप साउंड नहीं करेगी। ऐसे ही सेम प्रोसेस ओपन करने के लिए करना पड़ता है। और बाकी इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको TPMS, TCS और ABS जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाएगा, रियर में आपको ड्रम मिलता है। तो ये हो गए इसके बेसिक सेफ्टी फीचर्स की बातें। एंड यहाँ पे आपको यामाहा कनेक्ट का फीचर भी मिल जाता है, जिससे आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएंगी। सो गाइस, ये थी पूरी वीडियो ये यामाहा एरोक्स की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।